अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और ब्लॉक आउट पार्ट्स की तरफ से हम एक और वीलॉग की लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और ये वीलॉग है जी हमारी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो कि कोरे का चल रहा था रिस्टोरेशन का, तो उसमें आज हम उसका पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। और कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने चेंज की हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, कुछ नई एक्सेसरीज इंस्टॉल हुई हैं, ओवरऑल इंटीरियर में कुछ इंजन में भी हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं, वो भी हम आपको जो है ना सारी शेयर करेंगे। सो सबसे पहले तो क्योंकि गाड़ी की हालत ज़रा बड़ी गंदी हुई है तो उसको हम वॉश करवाएंगे, सर्विस करवाएंगे, और उसके बाद जो है ना हम बाकी की आपको अपडेट्स देते हैं और सारा गाड़ी का एक वॉक अराउंड और जो जो चीज़ें हमने अपग्रेड की हैं वो हम आपको बताएँगे, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा तो व्यूवर्स, अब हमने इसकी सर्विस वगैरह तो करवा ली है कोरे की, क्योंकि पहले काफ़ी गंदी हुई थी। तो अब हम सबसे पहले तो आपको इसका वॉक अराउंड देते हैं और बाहर से आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करवाई हैं। सबसे पहले तो इसकी ये जो हेडलाइट्स हैं, ये वाली जो है ना, ये चेंज करवाई हैं और ये TYC ब्रांड की हैं, अच्छी वाली लाइट्स हैं, आफ्टर जेन्युइन आप कह सकते हैं। उसके बाद इसके इंडिकेटर्स भी अगले जो हैं वो चेंज करवा दिए थे, ये साइड वाले जो हैं इंडिकेटर्स फेंडर पे जो होते हैं ये भी अपग्रेड हो गए थे। उसके बाद इसके जो है ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम इसके रिम्स अभी नहीं चेंज करवाएंगे, बट आफ्टर बॉडी वर्क सारा पेंट वर्क कम्प्लीट होने के बाद जो है ना वो हम कम्प्लीट करेंगे, बट वो जो रिम्स इसके पहले लोहे वाले लगे हुए थे स्टील रिम्स, वो थोड़े कुछ डैमेज थे शायद, तो उसमें गाड़ी जो है ना काफ़ी वाइब्रेट करती थी, तो फिर हमने अभी जो है ना इसके रिम्स पहले ही चेंज करवा दी। उसके अलावा अगर हम बाहर ये देखें, इसके जो है ना शीशे वो हमने टिंटेड कर दिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी भी आके मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमने इसके फ्रंट वाले जो हैं वो 25% और जो ब्लैक वाले हैं वो 50% और जो इसकी पीछे वाला ये भी 50% जो है ना हमने कर दिया है ब्लैक। तो और ये स्पेक्ट्रम में है, ये हीट रेजिस्टेंट है, आपकी जो क्या कहते हैं हीट है उसको अंदर नहीं आने देंगे। और अगर आप देखें अंदर से गाड़ी जो है ना इंटीरियर, उसका सीट पोशिश जो है वो सारी जो है लेदर में जो है ना, जैपनीज लेदर जिसकी 10 ईयर्स की वारंटी भी मिलती है, वो जो है सारा करवा दी है बड़ी अच्छी, ये रेड स्टिचिंग के साथ जो है ब्लैक टोन में सारा जो है ना इंटीरियर कर दिया है। नीचे फ्लोर मैटिंग भी जो है सारी वो भी रेगजीन में कर दी गई है। तो ओवरऑल बैक में और इंटीरियर अगर आप देखें तो ये सारा जो है ना इसका हमने कर दिया है कवर, फ्लोर मैटिंग भी हो गई है, इंटीरियर भी अगर आप देखें, ठीक है। एक और चीज़ जो बड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमने की है इसके इंजन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमने क्या किया है। बेसिकली हमने इसका इंजन जो है वो स्वैप कर दिया, जो इसका पुराना इंजन था जो इसमें जेन्युइन आता है वो हमने चेंज कर दिया। इसमें जो है ना अब हमने ये EFI इंजन, ये है ट्विन कैम 12 वाल्व के साथ होता है, ये बेसिकली बाहर जो है जैपनीज कोरे जो आती है और टेंटो गाड़ी शायद आपने सुना हो उसमें भी ये वाला इंजन आता है, तो ये इंजन बड़ा बेहतरीन है जी।
जब से चेंज करवाया है बड़ा साउंडलेस इंजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज भी गाड़ी की बेहतरीन होगी। मैं आपको इसकी स्टार्टिंग भी दिखाता हूँ, आप अगर स्टार्टिंग देखें तो अच्छा, क्योंकि इंजन चेंज हो रहा था तो उसके साथ फिर मैंने इसका मीटर भी जो है वो भी चेंज करवाया। आप देखें आरपीएम वाला मीटर करवा दिए, तो लेट स्टार्ट। ठीक है, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है ना बिल्कुल ही साउंडलेस है, बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशन। पहले वाइब्रेशन थी इसके अंदर, पहले वाला जो इंजन था इसका, बट अब गाड़ी के अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। ये देखिए, नो वाइब्रेशन एट ऑल। तो वायर से भी मैं आपको साउंड चेक करवाता हूँ, हम चेक करें, कोई मतलब बड़ा बेहतरीन साउंड है इंजन का, और जब से चेंज करवाया है इसकी माइलेज भी जो है ना गाड़ी की काफ़ी बेहतर हो गई है। साथ ही साथ इसका जो है ना, क्योंकि इंजन नया डला था तो उसमें जो उसके साथ का ही कंप्रेसर था वही हमने यूज़ किया, उसको चेंज नहीं किया, किसी किस्म की कस्टमाइजेशन नहीं की। और जो इंजन इसका चेंज हुआ है उसमें बिल्कुल भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बोल्ट टू बोल्ट जो है ना एज इट इज़ फिट हुआ है, क्योंकि ये कोरे में ही बाहर आता है जापान के अंदर। तो ये क्योंकि हमारा ये तो पहले ही ऑटो में लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ी ऑटो है तो ये हमें चीज़ें चेंज नहीं करवानी पड़ी। ये जो मीटर है ये मैंने खुद ही ना अपने शौक के तौर पे चेंज करवा दिया है। हालांकि जो पहला मीटर लगा था उसकी भी वो भी चल जाना था, वो भी क्योंकि ऑटो था। ठीक है, तो अभी हमने इसका एसी भी करवा दिया है। ये देखें एसी जैसे ऑन हुआ है उसका आरपीएम थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि वो एसी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो बड़ी बेहतरीन कूलिंग भी अब इसकी हो गई है। तो ओवरऑल जो है ना, और अगर मैं आपको दिखाऊं गाड़ी क्योंकि हमने टिंटेड की है, तो अंदर से गाड़ी का व्यू जो है ना वो मतलब एक बड़ा मज़े का अंदर जो है ना कोजी सी फील आती है कि बड़ी, क्योंकि अगर गर्मी भी स्टार्ट होने वाली है तो उसको भी अगर देखें तो बड़ा जो है ना अमेजिंग सा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है ऐसे, जिस तरह बाहर मौसम काफ़ी ठंडा सा है। अच्छा, एक चीज़ और जो बैक इसकी मैंने चेंज करवाई है, दैट इज़ ये इसका जो ऊपर वाला जो है ना शेल्फ जो आप कह लें स्पीकर्स के लिए, ये पहले जो लगी हुई थी ये ब्रेक हो गई थी और अच्छी क्वालिटी में भी नहीं थी। तो अब जो हमने ऑर्डर करके मैंने लगवाया है पार्ट आउट पार्ट से ही, उसमें ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। और ये जो है ना इस पर आप कोई चीज़ वज़न भी रखते हैं तो ये ब्रेकेबल नहीं है, और वारंटी है इसकी। अगर ये उनके मुताबिक अगर ये टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो आपको एज इट इज़ नई रिप्लेसमेंट जो है ना वो मिलेगी। तो इसमें ये सारी चीज़ें, अब इसका जो है ना एक्सटीरियर वाला काम रह गया। अगर आप देखें तो गाड़ी की डेंटिंग वगैरह जो है ना वो होने वाली है, थोड़ी बहुत बॉडी वर्क पेंट वर्क जो है वो होने वाला है। ये अभी ओरिजिनल पेंट में, ये आप देखें इसका नीचे वाला जो है ना पोर्शन नज़र आने लग पड़ा है। तो अब हम जो है इसको नेक्स्ट स्टेज में जो है इसकी गाड़ी को वो हम इसको पेंट वर्क के लिए जो है वो उस पर काम स्टार्ट करेंगे। ये देखें इसकी गाड़ी जो है वो टोटल जेन्युइन कंडीशन में, तो बस अब इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवा के तो ये फाइनल टचेस देख तो गाड़ी की बड़ी ही बेहतरीन सी जो है ना जस्ट लाइक कि हमने शोरूम से निकलवाई है वैसी ही जो है ना इसकी फील आएगी। तो इसके बम्पर्स भी हम चेंज कर देंगे और बॉडी बिल्कुल एक तरह से रिकंडीशन हो जाएगी। तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो अब हमने कवर करने। तो अच्छा, जितनी भी चीज़ें इसमें पार्ट्स इंस्टॉल हुए हैं, इवन ये सीट कवर्स जो हैं पोशिश वगैरह सारी, ये जितने भी चीज़ें हैं हेडलाइट्स हैं इंजन है इवन, इन सब की चीज़ें जो लिंक्स हैं वो मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो हैं अगर चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख के, और अगर आपने कोरे की इसके अलावा भी कोई और चीज़ लेनी हो तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। तो आप उसमें कोरे का जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं एक्सेसरीज़ हैं वो सब आप वहाँ पर देख के आप पार्ट आउट पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के जो है ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी इंस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप जो है अपने घर पे डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। सो या अच्छा जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी एक छोटी सी अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर कर दी जाए कि हमने नेक्स्ट ऑनवर्ड इसमें क्या क्या करवा लिया। तो काफ़ी कुछ जो है वो इंटीरियर वाइज जो है ना गाड़ी अब वो अपनी असल हालत में हम ले आए हुए हैं,
अब ऑनवर्ड्स जो है वो जैसे मैंने आपको बताया एक्सटीरियर पे काम स्टार्ट करेंगे इस पर, बट वो थोड़े टाइम तक हम जो है ना इस पर काम शाम स्टार्ट करते हैं। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो आई थिंक गर्मी वाला जो मौसम है ना वो पेंट के लिए अच्छा होता है, तो बस कोट्स वगैरह लेंगे, कुछ पार्ट आउट पार्ट्स के रेफरेंस से जो वर्कशॉप हैं उनसे हम रब्ता करेंगे और उनको हम चेक करवाएंगे। तो कोशिश हमारी ये है कि हम इसको जो बेस्ट क्वालिटी पेंट है वो हम करवाएं, ताकि जब ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो जाए तो जो बंदा भी इसको ले, तो जो बंदा इसको चलाए, तो वो उसको किसी किस्म की कंप्लेन ना हो और वो टेंशन फ्री होके ना गाड़ी यूज़ करे और उसको कोई काम ना करवाना पड़े। वैसे तो जो हमने इसमें चीज़ें अब करवा दी, जैसे हमने इसका इंजन EFI रखवा दिया, कार्बोरेटर वाला ये इंजन नहीं होता, ये EFI इंजन है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें किसी किस्म की जो है ना आपको तंगी नहीं होती, बड़ा सॉफ्ट है, इवन गियर चेंज होते भी आपको जर्क्स फील नहीं होते, तो बड़ी बेहतरीन है जी। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ इसकी राइड, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको, उसमें हम बॉडी वर्क जो इसका डन हो जाएगा तो हम आपके साथ उसकी अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।